हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम। अच्छा, फोन कट क्यों कर रहे थे? उस दिन मैंने जो भी कहा वो सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो अब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? सोच रहा था एक बार और चेक कर। क्या चेक करना चाहते हो तुम? ओल्ड एज होम की बिल्डिंग मिल जाए इसलिए राकेश से प्यार कर बैठी, और उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझसे प्यार करने लग गई। सोच रहा था कहीं राकेश की तरह मैं भी तुम्हारे दिमाग में तो नहीं, इसीलिए मैं एक लंबा सा गैप लेकर अपना शक दूर कर रहा था, पर पकड़ा गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? उस दिन मरने से पहले मुझे राकेश की याद नहीं आई, तब तुम ही ने कहा था ना कि ये प्यार नहीं हो सकता। तुम मुझे 7 दिन दिखाई नहीं दिए तो मेरा मर जाने को दिल कर रहा था। इसे तो प्यार ही कहते हैं। तुम्हें कोई और मिल गई है क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब दो, कुछ तो बोलो टोनी। तुम्हारी ये चुप्पी मेरी जान ले लेगी टोनी, प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूं। डॉग फादर? नहीं नहीं, गॉड फादर। अब आगे क्या होगा? एक तो वो हत्यारा अभी तक नहीं मिला, उसके ऊपर ये नया पुलिस ऑफिसर हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करता जा रहा है। धरती फिर से हिल रही है भाई। अरे ये बाल में आप फिर से आ गया। आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी ना, तो सारी लिख कर लाया हूँ, पढ़िए। अबे 4 क्लास क्या पढ़ लिया तू? अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझता है क्या? तुझे पता नहीं कि काला अक्षर में लिए भैंस बराबर है भैंस से कहीं के? छोटे तू आया तो मुझे याद आया कि आज मेरी गली में चांद निकला, ये गूंगा मेरे 12 बजा रहा था। पर 12 तो इसकी शक्ल पे बजे। अरे इसकी शक्ल ही ऐसी है, कल गूंगा बनकर मोना एक्टिंग कर रहा था और आज ये लव लेटर लेकर आया है। देखो ये हिंदी में लिखा है फारसी में। चुप इधर, जरूर मेरी बुराई की होगी इसने। तूने अभी तक नहीं बताया? मुझे तो लगा कब का बता दिया होगा। क्या नहीं बताया? कुछ नहीं झुन्नू भाई, इरफान और उसके आदमियों को और मिनिस्टर और उसके बेटे राकेश को किसने मारा वो लिखा है इसमें। उन्हें किसने मारा? मैंने। और किसने? तुमने? हाँ झुन्नू भाई। देख छोटे, ये कॉमेडी का वक्त नहीं है, मैं फुल ट्रेजेडी के मूड में हूँ। मैं कॉमेडी क्यों करूँगा, आपको यकीन नहीं होता ना? मैंने उन सबको मारकर पैसा यहाँ छुपा दिया था। सच में तूने ही मारा? मगर क्यों छोटे? मैं उनको ना मारता तो आप उस पोजीशन तक कैसे पहुंचते? पर मैंने तो तुझे अपना सपना कभी नहीं बताया था। आपने नहीं बताया फिर भी मैंने जीबी को मारा। वो जीबी मेरी गोली से नहीं मरा। ओहो, आपको लगता है आपने उसे मारा? अरे आप बटन दबाइए ना, जो होगा देखा जाएगा। ये सब किस लिए छोटे? आपको सबसे बड़े डॉन की कुर्सी पर देखना ही मेरा मकसद है। आपकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इरफान भाई को तुमने भाई के लिए मारा, पर मंत्री और उसके बेटे को क्यों मारा? मैंने सोचा इरफान की मौत के बाद मिनिस्टर जिंदा रहा तो बहुत दुखी होगा, इसीलिए रहम खाकर मार दिया। अपने डर को भगाने के लिए तुम लोगों को धोते हो ये तो मालूम था, लेकिन रहम आने पर जान ले लेना, ये क्या है? हर कैरेक्टर को ऐसे ही मारते रहेगा तो फिल्म आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तू ये सब मेरे लिए कर रहा है तो वो पुलिस ऑफिसर मुझे कुत्ते की बात मारेगा।
गन दिखा के कहेगा तेरा क्या होगा कालिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? डर लगता है तो उसे मार दीजिए भाई। आपके लिए तो मैं उस पुलिस ऑफिसर को भी मार दूं। आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूँ ना, मैं सब सेट कर दूंगा। आप तो बहुत बड़े जादूगर हो भाई। झटका लगा तो जुबान चलने लगी। कसम से दोबारा पंगा नहीं लूंगा, मुझे अपना चेला बना लो। यहाँ मैं आया था सबके सामने आपकी पोल खोलने, और आपने तो मेरा गला खोल के सबकी बोलती बंद कर दी। अब आपका गेम बजाना किसी के बस की बात नहीं, बस उस ऊपर वाले को छोड़कर। जहाँ तक मैं जानती हूँ इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इतने शांत स्वभाव के थे। मेरे मासूम बेटे और पोते को मार डाला रे। ये क्या हो गया? ये मंत्री जी की कुछ चीज है। इरफान भाई को मरे हुए इतने दिन हो गए और खूनी का अभी तक पता नहीं चला। कोई भी फोन करता है तो अज्जू भाई का फोन समझ के डर जाता हूँ मैं। खूनी का नाम मत लेना, उसने ये सब मेरे लिए ही तो किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। पता लगाओ खूनी कौन है। अज्जू भाई को नहीं पता चला कि खूनी कौन है तो हमें क्या पता चलेगा, उन्हें पता कराएं। वो कौन है पता चला? मालूम नहीं पड़ा। 20 दिनों से मैं यही बात सुनता आ रहा हूँ। मेरे भाई की मौत से ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि उसके खूनी का अभी तक पता नहीं चला। ये बात मैं फिर से सुनना नहीं चाहता। अब बताओ मुझे, पता चला या नहीं? पता चला या नहीं? ये तो मैं बड़ी असमंजस में फंस गया हूँ। बताऊंगा तब भी मरूंगा, और नहीं बताऊंगा तब भी। इस खामोशी से दिमाग और भी चकरा रहा है। अगर हमें थोड़ा बस करो, तुम लोगों से नहीं होगा इसलिए मैं खुद आया हूँ। ये गैंग वॉर नहीं है, किसी एक आदमी का काम है। मैं उस आदमी को 24 घंटे में पकड़ लूंगा और तुम लोग तब तक यहीं रहोगे। ये बात तुम लोग अच्छी तरीके से समझ लो। आपको कुछ भी याद है मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। 10 दिन में शादी करके राकेश घर बसाने वाला था। मैंने कितना मना किया था, मेरी बात नहीं सुनी। ये सब उस लड़की की वजह से ही हो रहा है। कितनी पनौती थी मेरे बेटे को। राकेश की लव स्टोरी का क्या चक्कर है? उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करने लगी। सर कौन है वो? लड़के का नाम टोनी है। टोनी? ये उसकी फोटो है। इसका नाम टोनी है। एक साल से मुंबई में दिखाई नहीं दिया। टोनी यहाँ रहता है? रहता यही है, पर मंदिर गया है। कौन से मंदिर? देवी के मंदिर, गाँव के बाहर पहाड़ी पर है। टोनी की मुझे सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। ओके सर। प्रभु द ग्रेट, अज्जू भाई ने ठान लिया है कि वो अपने भाई के खूनी को मार देगा, और टोनी ने ये सब मेरे लिए तो किया है। अगर टोनी भाई के हाथ लग गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हम उस पुलिस ऑफिसर या अज्जू भाई के हाथ ना लगे, इसलिए इतनी दूर आपकी शरण में आए हैं प्रभु द ग्रेट। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। 10 बार इस मंदिर की परिक्रमा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये लड़का बेटा, हम दोनों शादी करने वाले हैं। अच्छा, अपना हाथ तो दिखाइए। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानता। अरे हाथ आगे करो ना, देखिए इस पेड़े की हाथ की रेखाएं सीधी नहीं होंगी। देखने में तो नहीं लगते, पर हो तुम बहुत टेढ़े। हाँ, आपने तो मेरा ही डायलॉग मारा। बेटी, मंदिर के हवन कुंड में आहुति देकर परिक्रमा कर लो, इससे सब कुशल मंगल हो जाएगा। जी ठीक है, चलता हूँ पंडित जी। तुम कहाँ जा रहे हो? अकेले में बात करने के लिए ही तो उन्हें वहाँ भेजा है। आज तक तुम्हारे जैसा हाथ किसी का नहीं देखा। कहते तुम कुछ और बात हो, आंखें तुम्हारी कुछ और कहती हैं। तुम्हारा हर व्यवहार तुमसे विपरीत है। किसी के समझ में नहीं आता कि तुम्हारा चरित्र है क्या। फिर भी आप काफी कुछ समझ गए। देखो बेटा, उस लड़की को मैं कई दिनों से जानता हूँ। बहुत ही नेक लड़की है, सच्चे दिल से चाहती है वो तुम्हें। ये उसकी आंखों में साफ नजर आता है। उसके दिल को चोट मत पहुंचाना। तुम्हारा जीवन संकटों से घिरा हुआ है, पर ये मत सोचना कि सदैव तुम्हारी विजय होगी। काल कभी भी तुम्हें डस सकता है। लगता है ये पंडित पहले जिम में ट्रेनर था। तभी तो 100 बार परिक्रमा करने को बोला है। पहचान गया तो कुत्ते की बहुत मारेगा। और बाकी कुछ नहीं पाया। नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं पहचाना।
मुझे मारोगे? तो मार दो, मैं जानती थी तुम अच्छे इंसान नहीं हो। निहारिका को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? उसका तो दिल ही टूट जाएगा कि तेरे जैसा क्रिमिनल